मोदी जी नमस्कार। साहब जो आप कोरोना के ऊपर जो कदम उठा रहे हैं बहुत सराहनीय कदम है। हम आपका सर झुका के उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आपने देशवासियों के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। आपने धारा 370 हटा के जो अच्छे काम किए हैं, जो आपने राम मंदिर निर्माण के लिए अच्छे कदम उठाए हैं, जो 3 तलाक के लिए आपने अच्छे कदम उठाए हैं, हम आपसे बहुत 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 धन्यवाद हैं उसके लिए। आपने हुक्म किया हम लोगों की 5 बजे आप तालियां बजाइए, हमने दिल से जनगण मन भी गाया और तालियां भी बजाई, थालियां भी बजाई। आपका बहुत 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 शुक्रिया जो आपने पूरा देश एक किया। पर एक छोटी सी तकलीफ हम लोग जो भुगत रहे हैं उसके लिए मैं आपको एक अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा। साहब व्यापारी वर्ग के बारे में थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। व्यापारी वर्ग जो है इस टाइम बहुत कष्ट से निकल रहा है इस टाइम। सब सीए ने पूरा देश रोक दिया, व्यापार रुक गया। उसके बाद करोना जी आ गए। सब करोना जी के आने से व्यापार का ये हाल है कि इनकमिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है, आउटगोइंग शुरू है। सब खर्चे वहीं के वहीं हैं, सरकारी खर्चे, बैंक्स के खर्चे, लेबर की सैलरी, रेंट, ईएमआईज, टैक्सेस। आज निर्मला सीतारमण जी ने एक व्यापारी वर्ग पे बहुत बड़ा एहसान किया कि टैक्स के ऊपर जो पेनल्टी होती है 12% की, यानी मैंने 100 रुपये का मेरा टैक्स बनता है तो उसके ऊपर जो 12 रुपये मैंने टैक्स देना है वो 9 रुपये कर दिया, यानी पेनल्टी लेनी है वो कम कर दी है 3 रुपये। पर साहब हमसे पूरे चाहिए, हम लेबर को पूरी तनख्वाह दें, हम लोग टैक्स पूरा दें, हम लोग ईएमआई पूरी दें, चाहे हमारे पास इनकमिंग हो या ना हो। साहब कुछ सोचिए हम लोगों के बारे में। साहब स्कूल की फीस स्कूल वाले माफ नहीं करते।